भी कल को अपने नाम लिखवा ली जैसे बेला ने बाबू जी को उकसा के किया। मामू मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बाबू जी ने खुद सुना था आपको और साकी मामू घर बेचने की बातें करते हुए। नहीं नहीं बाबू जी मैंने कुछ नहीं किया, ये पायन का आइडिया था, पायन ने बात की है प्रॉपर्टी डीलर से, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं क्या इस सोग में कोई कमी बेशी हो सकती है? जाने आशिक हुसैन एडवोकेट क्यों जाया कर रही हो ये हसीन और कीमती आंसू अपने बदीद भाइयों के लिए जिन्होंने अपनी बाप की है आने की। उन्होंने सोचा भी कैसे इस कार को बेचने का, ऐसे वो पलिए लोग के सोचने में कुछ पैसे थोड़ी लगते। वैसे तुम्हें एक अंदर खाते की बात बताऊं क्या? खुदा ना खास्ता अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता ना तो ये सज्जो चलाक लोमड़ी मेरे पल्ले ही पड़नी थी, क्योंकि अल्लाह बख्शे खालू जी ने कहा था मैं तो बेटियां दोनों एक ही घर में दूंगा। कोई शर्म यहाँ करें, पायन कहती है वो आपको। और शर्म उनको करनी चाहिए भाई, बंदा ठंडी करके खाए, अब ये गरम गरम खाने के चक्कर में मुंह सड़ गया ना। हाय टकोर बड़ी अच्छी की है बाबू जी ने, वैसे एक बार तो ठंड प्रोग्राम कर दिया उन्होंने। वो सिर ना खाए मेरा, अगर ये नहीं पीड़ हो रही है चुप करके सो जाए आप। चुप करके सो जाए, वो तो पहले कौन सा बोल बोल के सोता हूँ मैं। लेकिन एक बात तय है, हाय 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 तुम्हारे अब्बा जी को नहीं मिलना था आशिक हुसैन एडवोकेट जैसा दामाद पूरी दुनिया। आहो एक कोई पीस बहुत है। पीस ही कह दिए रहने। मैं बना दूं? रहने दो, अपनी ईशा के लिए बनाना, रात को बड़ी फेवर कर रही थी ना उसकी। ये तुम क्या बच्चों की तरह हर बात को पढ़ के बैठ जाते हो? और तुम क्या बड़ों की तरह हर बात छुपाती हो मुझसे? अच्छा तो कल रात वाला गुस्सा अभी तक नहीं उतरा है। ब्राउनी खाए बगैर तो नहीं उतरेगा। मैं काम क्या करूं, मुझसे नाराज मत हुआ करो। तुम्हें बड़ा फर्क पड़ता है। नाराज मत हुआ करो। मुझे ही तो फर्क पड़ता है, जानता हूँ जितना फर्क पड़ता है। कैसे चलता है ये? कॉफी मिलेगी? तुम्हारे सियालकोटी तड़के में तो मिलती होगी कॉफी। कॉफी? हाँ बनानी भी आती होगी। ऑफ कोर्स। तो फिर यहाँ बनाते हुए मौत पड़ती है। मेरी भी चाय बना देना। वो मजाक कर रहा है। ये हमेशा से ऐसा था या हमारे आने के बाद ऐसा हुआ? हमेशा से ऐसा है, पैदाइश से। तुम्हें कभी किसी ने बताया तुम हंसते बहुत क्यूट लगती हो? तेरी क्यूटनेस पर तो मैं फेरती हूँ भी पोचा। चल जा जाके ताया जी दवाई दे के, अब बीमार है ताया तेरा। चल मानी आपके लिए चाय बना दूं? नो थैंक यू स्वीटी। जाओ जाके बाबूजी को चाबी दो और ताकि वो हमें और जलील करें। ओए मामू चाय ले लो। नहीं बेटा चाय नहीं, नाश्ता लगवा दे। अच्छा मैं लगवाती हूं। बेला बेटा मुझे दे दो। थैंक यू। चाय पी के ना मुझे कोई मेडिसिन दे, मेरा टेम्परेचर फील हो रहा है।
हाय तौबा। ऐसे ऐसे भाई जी, वैसे दो अलामतें तो जाहिर हो गई हैं वायरस की। तेरे होते हुए तो सारी हो जानी चाहिए। नहीं रफीका जी, अब ये दूसरे मल्ले का गुस्सा मेरे पे तो ना निकाले ना। बेला ओ बेला पुत्र, मेरे लॉकर की चाबी नहीं मिल रही। वो बाबूजी, वो आपके जुराबों में ही होती है ना। बाबूजी आखिर ये जुराब का लॉकर से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन दे तेरा भी नहीं बर्दाश्त करना। एक ही बैठा आ जा पुत्र। बाबूजी बहुत फनी है, मजाक कर रहे थे, वो सारे दिमाग का माहौल चलता रहता है। डोंट टेक इट सीरियसली। बाद में सारे यही कहते हैं। ये लो मेरा बीबू। थैंक यू। बेला पुत्र, बाबूजी को चेक कर जरा, एंट्री नहीं मारी उन्होंने अभी तक यहाँ। मुझे लगता है वो कमरे में ही नाश्ता करेंगे शायद। आज उनकी अपॉइंटमेंट भी है। आज तो ना बाबूजी के साथ मैं ही जाऊंगी। फिर तो बेटे अभी से दे दो उन्हें ब्लड प्रेशर की गोली। हमें ना बाबूजी को किसी अच्छे से स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। बेस्ट कोई दिखा रहे हैं। सॉरी लेट हो गया। पप्पू मेरे लिए स्पेशल पराठा बनाया आपने। हाँ बेटा प्लेट रख। क्या डार्लिंग, ना खाओ इतने परांठे, पेट गेन हो जाना है। कोई बात नहीं, जिम कर लूंगा मैं। थैंक यू। बेला बेटा, ये ठंडी मीठी लस्सी का गिलास दे अपने मामे रफी को, लगता मेरे में गर्मी हो गई इनके। ना भाई इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत की नीयत? ओए आशिक, तेरी नीयत भी ना मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरी जुबान ना खुलवा। मुझे खोलनी जो जुबान खोलनी है, मैं भी देखूं मुंह से कौन सी आग निकालते हैं आप। मुझे भी पता चले कि मेरा बड़ा साला क्या सोचता है अपने अकलौते बहनोई के बारे में। आप चुप करके नाश्ता नहीं कर सकते? नहीं। अरे मेरे लाखों जो जेवरात किने कड़े ने। हाय रब्बा। कौन सा जेवर भाऊजी? नुदरत वाले? आहो, 12 चूड़ियां ते 61 गायब, बाकी सारा कुछ होते ही। बाबूजी कहीं और रख दिए होंगे आपने। और किते किते रखते, मेरे दिमाग खराब हो गया तेरा, उधर तेरी फूफी दे लॉकर इस कामों की रखा है मैं। बाबूजी मैं काम करती हूँ, मैं ऊपर जाके देख लेती हूँ ना। हाँ वही देखो, ऊपर नीचे पड़े होंगे कहीं, मैं भी जाके देखता हूँ। ऊपर नीचे चले, मेरा दिल हो रहा है सज्जे खब्बे, इधर मैं किधर जाऊँ। ना आप मुझे कैसी ऐसी सस्पिशन वाली निगाहों से देख रहे हैं? आई एम नॉट अ थीफ। सजो तेरी अक्ल जो है ना वो कनाडा की बर्फ के नीचे ही दब गई हो, मैंने कब कहा है भाई? नहीं तो आप डायरेक्टली यू लुकिंग इनटू माय आईज। ओ रहन दे, ओ की सापा पाया है तुसी? टके टके दिया गला हो रही हैं इथे। बाबूजी वो आपने आखिरी बार जेवर कब देखा था? वो मैंने ही देखे थे 15 दिन पहले, बाबूजी ने निकाले थे मेरे सामने। और फिर तो इफी तुझे पता होगा ना कि वो कहाँ है। इस बात का क्या मतलब है इफी? वो इनका मतलब है कि हो सकता बाबूजी ने कहीं रख दिए हो और बाबूजी भूल गए हो। ले रोही, कहाँ चिट्टा है, कहाँ चिट्टा है? बाबूजी आप ना परेशान हो, आप मिल जाएंगे, आप परेशान हो आप। हाँ लेकिन घर से जा कहाँ सकते हैं? जी मैं तो कहता हूँ कि इखलाकी तौर पर हम सबको अपनी अपनी तलाशी दे देनी चाहिए।
ओए اخلاقی عورتیں جو تیری تلاشی میں 10 سال پہلے لے لیں گا تو تیرا پاسپورٹ نکل آنا تھی سیالکوٹ والے ہیں بکسے اچو باو جی چلیں چلیں ڈنگ کر بب چلیں 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 او یہ باو جی کی سوئی بھی نہ او یہ 10 سال پہ آ کے اٹک جاتی سوئی تو ہماری اٹکی ہوئی ہے کرونا کے آس پاس ویسے اصولن نا 14 دن کا کوارنٹائن کرنا چاہیے تھا آپ کو فلائٹیں بند نہ ہوتی نا اور تو میں نے دوسرے دن واپس ہیوسٹن پہنچ جانا تھا اور یہ تو اس نے صداقت کے بچے نے مجھے پھنسا دیا یہاں صاحب لے لو یار پانی پی لینا پانی گرم چا لے لو باسم اب کیا ہوگا خدا کا واسطہ بیٹا نارمل بیہیو کرو نہ ہم دونوں پھنس جائیں گے باوجی ٹینشن میں ہے اگر انہیں پتہ لگ گیا تو ہم ٹینشن میں آ جائیں گے ذلیل کر کے رکھ دیں گے پورے خاندان کے سامنے کسی اور کو پتہ چل گیا تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اگر تم اپنی زبان بند رکھو گی اوکے جیولری کو نہیں ڈھونڈ رہے تم لوگ ہاں وہی ڈھونڈ رہے باو جی آپ ہمارے کمروں کی تلاشی لے لیں جی پتر تو لالچی ضرور ہے پر چور نہیں جڑا میسنا تیرے نال کھلوتا ہے انہیں میرا جاری گٹھا لا کے میرا پلاٹ بیچتا سی پر اے مری ہوئی بھن دے زیوراں نوں منہ نہیں مارے گا اے میں جاننا پھر باقی لوگوں کی لے لیں تلاشی رفیع پا جی ماشاء اللہ 10 سال محل کچیل نکالی ہے انگریزوں کے کپڑوں سے تو تھوڑا کا کاسٹک سوڈا جو ہے نا وہ اپنی یہ زہریلی سوچوں پہ بھی ڈال لینا تھا عاشق بھائی یار کیا کر رہے ہو آپ تو پرسنلی ہو رہے ہو اور رہن دے تو خواجے کا گواڈ ڈڈو جا کے اپنی بہن کو دیکھو جو وہ چھاپا مار ٹیم لے کے گئی ہے باو جی کے کمرے میں دیکھ سجو تو یہ والا چیک کر ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ باو جی نا خود ہی کہیں رکھ کے بھول بھال گئے ہیں 100% صحیح کیا تھی ویسے ندرت کو باو جی نے بہت ہی زیور ڈالا ہے زیور تو تجھے بھی بہت پڑا تھا سجو یہ الگ بات ہے کہ تم لوگ بیچ باج کے نکل گئے اچھا اب نا یہ پرانی باتیں چھوڑو پہلے اس بات کا پتا کرو کہ سارے کا سارا زیور تو ویسے کا ویسے پڑا ہوا ہے صرف وہی والا سیٹ اور چوڑیاں ہی کیوں غائب ہیں یہ سینس تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی نکی بھابھی تم انکل جے کمار سے بات کرو اب کیا بات کروں ان سے یہی کہ جوڑی ہمیں واپس کر دیں اچھا اور پیسے بینک سے ڈاکہ مار کے دوں گا کہیں نہ کہیں سے دے دیں گے نا یار بہت زیادہ دے ہیں نا تمہارے پاس 15 لاکھ چھوٹی رقم نہیں ہوتی بیلا میں تو پھر جا کے باو جی کو بتا رہی ہوں پورے خاندان کے سامنے انسلٹ کرواؤ گی میری میں کو یہ تھوڑی بتاؤں گی کہ تمہیں پیسے دیے تھے باہر جانے کے لیے حلق میں انگلی ڈال کے اصل بات نکلوا لیں گے باو جی کیا کریں باسم اگر جوڑی نہیں ملی نا پورے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا سالوں بعد سب اکٹھے ہوئے ہیں میں نہیں چاہتی اس پہ چوری کے الزام لگاتے رہے 7 لاکھ سے سیٹ واپس لے آتا ہوں 7 لاکھ ہیں میرے پاس ہاں لیکن چوریوں کا بھی تو کچھ کرنا ہے چوریوں کے لیے آئیڈیا ہے میرے پاس آئی ایم سوری دوسروں کی بات سننے کے معاملے میں کان تھوڑے تیز ہیں میرے لیکن کسی کا سیکرٹ آؤٹ نہیں کرتی میں دیکھو عائشہ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے سچویشن بہت سیریس ہے ہاں تو ٹینشن ختم کر دو نا آرٹیفیشیل چوڑیاں لے آ آرٹیفیشیل چوڑیاں باو جی کو پھوپھو کی چوڑیوں کا ڈیزائن تھوڑی یاد ہوگا یہ بھی ہے تم جاؤ میں باو جی سے کہہ دوں گی جولری میرے پاس رکھی تھی
फौरन जाओ, अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, उसी में ये बात कर देंगे। कहाँ जाऊँ, दुकान तो बंद होगी, लॉकडाउन लगा हुआ है। फोन करता हूँ जय कुमार अंकल को, दुआ करो दुकान खोल दे। डोंट वरी। बस करें ना बाबूजी, कब तक देखते रहेंगे जेवर? किन्ने शौक नाल बढ़वाया समो चूड़ियां नुदरत ने। याद है मुझे, वो ज़ेबा मोहम्मद अली की फिल्म आई थी ना, उसमें उसको डिजाइन पसंद आया था तो मुझसे ड्राइंग करा के फिर ज्वेलर से बनवाई थी उसने। ओहो हाँ जी, ओ चाचा जी, ओ ब्रेक से पैर ते रखो, ओ क्यों नहीं डालेंगे जी नजर आपके मुंडे पे, अल्लाह खैर रखे, एक नहीं चार चार नजरें डालेंगे। आप बेफिक्र होके ना मुतंजन बुकवाओ। हाँ जी, मैं बस दो मिनट में बाबूजी से पता करके तो बताता हूँ आप। जी जी, रब रख भाजी। वो अपने खोखर साहब का फोन था, वो रोटी ठुकर का पूछ रहे थे, आज जाना था ना जी हमने उनके पोते को देखने। बाबूजी मैं तो कहती हूँ कि आज रहने ही दें, आगे घर में इतनी परेशानी हुई भी है। तू वरुण शाहीन को मेरा बोस की दा कुर्ता इस्त्री कर दे, मैं इस काम नु और लंबा नहीं लटका सकता। मुके खत्म लो जी। मुझे लगता है सज्जो ने दिखा दी हाथ की सफाई। वो कुछ खुदा का खौफ करे, वकील ही बने रहते हैं, सज्जो क्यों करेगी चोरी? ओए तुझे नहीं पता इफ्फत आशिक हुसैन की बचपन में बड़ी चोरनी थी, वो मरूंडा निकाल के खा जाती थी मेरे बस्ते से। अभी भी सुन लेगी ना तो कच्चा चबा जाएगी हड्डियों समेत। है तो अभी भी वैसे डैन ही। वो मेरा भी निकाल लो फिर, वो जरा सूट शूट टाई है, हम भी तैयार होके जाए। मुतंजन पुकवा रहे खोखर साहब। शुक्र है भाई, मसला भी सॉल्व हुआ। लेकिन एक और मसला सर उठा रहा है बॉस। कहीं तू इन चूड़ियों की मुखबरी तो नहीं करने वाला? मैं घटिया हूँ लेकिन इतना भी नहीं। बोलो बॉस, मुझे लगता है अमेरिका वाली ईशा बाजी है ना, जलेबी सेंटर की जलेबियाँ आपके चक्कर में खा रही हैं। जलेबी खा के चक्करों में इजाफा होगा जब शुगर हाई होगी तो। मेरी माँ ने ग्रीन सिग्नल दे दें, जेन्युइन काम हो जाएगा। इससे पहले कि मैं तेरे सिग्नल उड़ा दूँ, गाड़ी में बैठ। बॉस वैसे हैं तो क्यूट। बेटा सारा इम्पोर्टेड मेकअप का कमाल है। भिला तुम्हारा मेकअप तो बिल्कुल ही खत्म है, मुझे लगता है तुम्हारा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है मेकअप में। ईशा, आर्टिफिशियल चूड़ियों का पता तो नहीं चल जाएगा? किसी को पता नहीं चलेगा, तुम शर्त लगा लो मुझसे। बस मैं तो चाहती हूँ एक झूठ को छुपाते छुपाते हम किसी और मसले में ना पड़ जाए। अब अगर इतना ही डर रही हूँ तो क्या जरूरत है इस मसले में पड़ने की? वो भी बासिम के लिए। वो अपसेट था। देखो वो बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए खुद मेहनत करे ना, लेकिन किसी ना किसी को तो उसका साथ देना होगा ना। बेली, ये बाबूजी का कुर्ता इस्त्री कर दे, खोखर साहब के यहाँ जाना है। क्या हुआ पुप्पो, बाबूजी नाराज होकर जा रहे हैं क्या? नहीं बेटा, वो बेला का रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं। बेला, तुमने तो कहा था कि तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हो, तो अब अपना ख्वाब कैसे पूरा करोगी? हमारे माँ बाप बिना शादी से आगे कुछ सोचते ही नहीं है। ईशा, ईशा कुछ अपने डैड की भी फिक्र कर लो, पता है कितनी तबीयत खराब है उनकी। मॉम, आप डैड से कहें कि अपनी लाउंड्री और बाऊजी की प्रॉपर्टी के बारे में सोचना छोड़ दें। मैं आपको बता रही हूँ उनकी तबीयत अपने आप सेट हो जाएगी। अब ज्यादा ना बातें बनाने की जरूरत नहीं है, जाकर उनके लिए ना सूप बनाओ। अच्छा, और मेरी बात सुन, ये तेरी फूफी कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? बड़े जोड़े शोड़े प्रेस हो रहे थे। मॉम वो बेला का रिश्ता देखने जा रहे हैं।
ओए कितनी मिसनी है, बताया तक नहीं। आर यू मैड? हम चूड़ियां क्यों लेके दें? परेशान है बाबूजी मॉम। सो व्हाट, परेशानी भी तो उनके अपनों की वजह से आई है ना। मैं तो कहता हूँ ये जरूर किसी घर के भेदी का काम है। मिंते आप लगता है पाए नाशक ने कोई काम बहाया। याद नहीं थे बचपन च स्कूल दी घंटी भी एचड़ी सी कबाड़िए। ये सब बातें छोड़ें, ये बताएंगे बाबूजी की परेशानी का क्या करना है। पुत्र जी, परेशान तो बाबूजी ने हमें भी बहुत कर दिया है इस घर के बाहर बेला मंजिल की तख्ती लगाकर। पर भाई मुझे लगता है यार हमें बाबूजी की खातिर कुछ ना कुछ करना चाहिए। लुक एट हिम भाई, ऐदा ते उत्ते वाला पोर्शन बिल्कुल ही फारग है। कनाडा की सर्दी में डॉलर कमाने आसान है। हां जी, तुम तो वहां पे बर्फ के गोले बेचती हो ना गलियों में फिर फिर के। ला जी, बेला का रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं बाबू जी, और अपनी बहुओं को पूछा तक नहीं, घास तक नहीं डाली। बेला का रिश्ता, इतनी जल्दी क्या बाबू जी को? तो हर कोई हमारी तरह हाथ पे हाथ रख के तो बैठा नहीं होता। 3 साल बड़ी है ईशा बेला से और यहाँ किसी को परवाह ही नहीं है। ये बात तो तुम दोनों बहनों को सोचनी चाहिए ना। सोचा तो बड़ा कुछ है, अगर ये तेरा पुत्र जो है ना बिल्कुल बाऊजी की तरह होता जा रहा है, ध्यान दे इस पे कुछ। कहाँ रह गए बासिम? बाऊजी 3 बार पूछ चुके हैं, चूड़ियां लेने को भेजा था, तुम बनाने बैठ गए हो क्या? हाँ। कहाँ से मिली? क्या? चूड़ियां? नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही थी वो। लेकिन मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ बेला। जब झूठ नहीं बोलना आता तो क्यों बोलती हो? अच्छा चुप रहो, चलो मैं बताती हूँ, आओ चलो। नॉट ठीक है? ओ यार उनो पूछ, ओ खोचल किथे निकल गया है गड्डी लेके? ओ जी वो बेकिंग का सामान लेने गया, बेला ने मंगवाया था रास्ते में। ओ केक बना बना के खवाएगी नानके नु। वो बाऊजी मेरा ख्याल था कि पाइन रफाकत और निकी पाबी को साथ ना ले चले। तू अपना ख्याल अपने कोल ही रख, उना दुआ ने तरीके नाल बह के कभी माफी मांगी अपने पियो कोलो? जी वो माफी मांगने नहीं आए, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन के लूट रहे हैं आपको। हाँ आना साकी, आजा, खैर तो है? कोई फी आपा, मैं ना वो बाबूजी को ये चेक देने आया था। वो जिस प्लॉट पे वो जाली अंगूठे लगा के दस्तखत कराए? नहीं आशिक पाइन, क्या बात कर रहे हो यार आप। बाबूजी वो मैं बेला की चूड़ियों के लिए ये चेक। ओए तनु मामा बनने की कोई लोड नहीं। मामा बनने की लोड वाली बात ही नहीं है बाबूजी, मैं मामा तो हूं बेला का। ओए बदीद इत्थे खलोते खलोते एक दी जगह 2 दर्जन चूड़ियां लेके दे सकना अपनी पड़ोसाई को। बचा फरमा रहे बाबूजी, पर मैं तो बस अपना फर्ज पूरा करने आया था। और ले बड़े पर पहले पूरे किते ने तू अपने, लो ही फर्ज पूरे करन लगा। और ले जा थे थे वापसी दिया टिकटें इच काम मान गए, ले जा। क्या था भाऊजी, रख लेते, अपनी खुशी से दे रहा था ना वो। ओए अपनी कमाई दा रो पा रिया सी। ओ यार 2 घंटे से तू कह रहा है कि 15 मिनट में आ रहा हूं, हद हो गई तेरे लिए। ओ भाई बेला के ससुराल से फोन पे फोन आ रहे। ओए आशिका यार मैं तेनु कहा सी बासम दी गड्डी चले चलने हैं।
बाबूजी आपको नहीं पता वड्डी गड्डी का एक अपना रूप होता है और फिर कुड़ी के ससुराल का मामला है तो जरा टेका होना चाहिए ना है? कैसा लगा पता वास्ता छाड़ दे मेरा पागल हो तुम निकी प्लीज किसी शेयर मत करना ये बेला तुम्हें पता है तुमने बाबूजी का ट्रस्ट तोड़ा वो भी ऐसे शख्स के लिए जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते नहीं वो ऐसा नहीं है वो ऐसा ही है हमेशा तुम्हारे कंधे पर रखे बंदूक चलाते बेला देख लेना एक ना एक दिन वो तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगा नहीं ऐसा नहीं होगा वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड खैर कहाँ जा रहे हैं बाबूजी तुम्हारा रिश्ता लेकर कि बचपन के दोस्त हैं उनका पोता मिली हो कभी उससे तस्वीर देखिए करता क्या है क्या पता विकी पहला तुम पागल हो पागल नहीं हूँ मैं जो बाबूजी पे ट्रस्ट है मुझे यकीन है जो मेरे लिए सोच रहे हैं वो बेहतर है जिंदगी भर का फैसला है बेला सोच समझ के डिसीजन लेना ये ना हो कि बाद में पछतावा हो तो मेरा नसीब नसीब तो बदल भी सकता है अगर तू मेरे साथ तो मुझे लगता है बासिम आ गया है क्यों आ जाता है ये बीच में सिम लो डेढ़ तो यही बजा दिया जी बासु ने गल सुनो तू उठे जाके अपनी सियासत ना बा दे सिद्धी सिद्धी गल कर बाबूजी लड़की के रिश्ते का मामला है कोई थान खोल के बलेटना तो नहीं है ना जी बेली एक काम कर बेटा भाई रफी के लिए ना मटन की यखनी बना दे उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना लो जी मटन की यखनी बना लो पहले अच्छा मैं बना दूंगी खाला अम्मी लहसुन ते अदरक ना पाई उन्हें पसंद नहीं उधर जाके अलमारी चेक कर हो सकता है उधर कुछ निकला आप चलिए मैं देख लूंगी बाबूजी आप फिक्र नहीं करें बाबूजी मिल जाएगा अच्छा आइए आराम से ओ झूठ तू किस पुप्पी को मिलने गया था लॉकडाउन में पकड़ा इधर चाबी एक घंटे से इंतजार कर रहे हैं लाड साहब का तू कहां से लेकर आ रहे जेवर अब बेला की दोस्त के घर से लो जी बच्चा बगल में तो डंडोरा शहर में उसने मांगे होंगे किसी फंक्शन में पहन के शो मारने के लिए तूने उठा कर दे दिए तुझे शर्म नहीं आती तूने भाप नहीं निकाली मुंह से हम सारे पागल हो गए चार घंटों से इसे ढूंढ ढूंढ कर पोपो बेला ने बता दिया था मुझे वो तो बाऊजी के गुस्से की वजह से डर रही थी अच्छा तो इसीलिए इसे झूठ को भेज दिया वसूली के लिए हैं यार इसे लेते चलो बाकी का नाम वापस लाके कर लेना आओ तुम दोनों को ना तो मैं आकर पूछती हूँ और तुझे भी बेला दरवाजा खोलो बेला ये मसले का हल नहीं है दरवाजा खोलो सुन
शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कैसा ये रोग लिया रे, हो पिया पिया रे, हो पिया।